बांटेंगे। शुरुआत करते एक बड़ी खबर के साथ। तो प्रयागराज जिले के प्रतापपुर विधानसभा सीट से सपा की महिला विधायक विजमा यादव की मुश्किलें जो है वो बढ़ गई हैं। 22 साल पुराने हत्या के मामले में प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है। तो बता दें कि विजमा यादव सपा से 4 बार की विधायक है। बुधवार को 22 साल पुराने मामले में प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई थी। गुरुवार को कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दे दिया है। तो सपा विधायक विजमा यादव पर आरोप है कि प्रयागराज के सराय इनायत इलाके में उन्होंने अपने लोगों के साथ पुलिस पार्टी पर हमला किया था। उन्होंने 21 सितंबर 2020 को दिन में दोपहर 2:30 बजे अपने समर्थकों के साथ हमला किया था। समर्थकों के साथ किए गए इस हमले में कई पुलिस वालों को गंभीर रूप से चोटें भी आई थी। तो यह बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 22 साल पुराने मामले में स्पेशल कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दे दिया है। तो सपा विधायक विजमा यादव दोषी करार दी जा चुकी है। कहीं ना कहीं एक तरफ इन पर मुश्किलें जो है वो बढ़ती नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के लिए भी कहीं ना कहीं ये एक बुरी खबर है। तो ये आ रही है। जा चुकी हैं इस वक्त की अब बड़ी खबर। अब देख रही है कि इस पूरे मामले में कोर्ट आगे क्या कुछ आदेश सुनाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके बाद इनके विधायक होने पर भी कहीं ना कहीं अब खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। तो एक पुराने मामले में विजमा यादव अब मुसीबत में नजर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी फैज हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। फैज, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। विजमा यादव कभी भी कोर्ट फैसला सुना सकता है, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले में? समाजवादी पार्टी की विधायिका हैं और जो कि प्रयागराज के एक प्रतापपुर जहां विधानसभा क्षेत्र है वहां से वो विधायक हैं। दरअसल विजमा यादव पे आरोप है कि उन्होंने भीड़ को उकसाया था, पथराव हुआ था, जिसमें तकरीबन 31 पुलिसकर्मी जो है घायल हुए थे। दरअसल पूरे मामले को मैं आपको बताना चाहूंगा कि 21 सितंबर 2001 की बात है, जब एक 7 साल के बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है जी। तो उनके परिवारजन वहां पर रोड पे ही जाम लगा देते हैं और उस ये भी शिकायत है कि उस उन तमाम भीड़ में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद थे जो असलाहों के साथ आते हैं और उनके पास कुछ पत्थर वगैरह भी रहता है। जब पुलिस लाश को हटाने के लिए आती है तो वहीं पर लोग पथराव करना शुरू कर देते हैं, जिसमें 21 पुलिसकर्मी जो है इसमें 31 माफ कीजिएगा 31 पुलिसकर्मी घायल हो जाते हैं। जाहिर तौर पर विजमा यादव इस मामले में 16 लोगों को अभियुक्त किया गया था, जिसमें विजमा यादव जो है वो भी उनका नाम शामिल है। उन्होंने जो है भीड़ को उकसाया था और इस तरह की स्थिति पैदा की थी जो कि कोर्ट में यह मामला गया। आज उस मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनवाई की है, जिसमें विजमा यादव को सजा हो सकती है, 2 साल से अधिक की सजा होगी। जाहिर तौर पर जब सजा 2 साल से अधिक होगी तो इनकी विधायिका भी विधायक जो इनका विधानसभा क्षेत्र वहां से विधायक नहीं रहेंगे, अब वो शायद मानी ना रह पाए। इसके पहले भी आपने देखा था कि समाजवादी पार्टी के अब्दुल्ला आजम जो इकलौते ऐसे विधायक हैं जो 2 बार एक ही जगह से जीते और जो है उन्हें अपनी विधायकी खोनी पड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल, आजम खान भी बिल्कुल फैज, कहीं ना कहीं आजम खान भी, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, और अब कहीं ना कहीं विजमा यादव का भी जो नाम है समाजवादी पार्टी के जो विधायक है इनका भी अब जो नाम है कहीं ना कहीं विधायक पद से हट जाएगा, क्योंकि ये दोषी करार दी जा चुकी है। तो क्या ऐसे में लगातार बैक टू बैक अपने 3 दिग्गजों का 7 विधानसभा से छूट जाना, क्या अखिलेश के लिए ये परेशानी की खबर होनी चाहिए? राहुल, निश्चित रूप से ये समाजवादी पार्टी के लिए एक बुरा संकेत है कि लगातार उन लोगों पर, समाजवादी पार्टी के जो विधायक उन लोगों पर पुराने आरोप को अदालत में पेश किया जा रहा है, उनकी फाइल खोली जा रही है और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अपने आप को बिल्कुल कमजोर महसूस करेगी। और इस तरह से अगर होगा तो अगर हम इस तरह की बात करें, आरोपी की बात करें, तो शायद किसी के भी जो है जो चादर है या कपड़े का है वो बेदाग नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल दागदार है। जाहिर तौर पर उन तमाम लोगों पर भी आरोप देखना चाहिए, उनको कोर्ट देखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कुछ दिनों पहले फैज आपको याद होगा बीजेपी से कुछ दिनों पहले विक्रम सैनी की भी जो सदस्यता है कुछ ऐसे ही गई थी। जी बिल्कुल, देखिए
एडम सनी की सदस्यता गई और जिस तरह से अब्दुल्ला आजम की पहले सदस्यता गई और दो दिन में तमाम नतीजे आ जाते हैं और उसको अरिक्त घोषित कर दिया था। विक्रम सिंह सैनी की बात करें तो उनकी 45 दिन ये पूरे मामले में लग जाता है। 45 दिन बाद उनको जब इस मामले को आरएलडी प्रमुखता से उठाता है, इसको लेकर उठाता है, तो तब जाकर जो है काफी विचार विमर्श के बाद उनकी सदस्यता जाती है। मामले जब होता है उनको सजा सुनाई जाती है, तो ये भी एक देखने वाली बात है राहुल कि किसी के मामले में इतना जल्दबाजी क्यों और किसी के मामले में इतना लंबे समय क्यों लग जाता है राहुल। तो ये बिल्कुल ये समाजवादी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, उनके लिए बड़े अफसोस की बात उनके लिए कि जिस तरह से विधायकों का टिकट कट रहा है, लगातार विधायक जो उनके घट रहे हैं, ये अच्छे संकेत नहीं है समाजवादी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया फैज तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां समाजवादी पार्टी के लिए कह सकते हैं ये बहुत बुरी खबर है, क्योंकि एक और विधायक जो है वो विधानसभा से कम हो जाने को है, क्योंकि दोषी करार दी जा चुकी है। अब देखने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले में क्या कुछ सजा सुनाई जाती है। अगर 2 साल से ज्यादा की सजा सुनाई जाती है तो यकीनन इनकी विधायक पद इनसे छीना जा सकता है। इसके बाद कहीं ना कहीं आजम खान, अब्दुल्ला आजम की ये जो पूरी कड़ी है उसमें एक और नाम जुड़ जाएगा। बढ़ते हैं आगे।